अगर आप अपनी फिजिक को लेकर थोड़े से भी सचेत हैं और जिम या फिर किसी और तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव है तो आपको एक न एक बार फिश ऑयल खाने की सलाह जरूर मिली होगी। अब कुछ ने तो इस बात को माना भी होगा लेकिन कुछ ने इसे नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन क्या आपको सच में फिश ऑयल खाने के फायदों के बारे में पता है? साथ ही क्या आप जानते हैं कि इसका ओवरडोज भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है? वेल, अगर आपको फिश ऑयल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में फिश ऑयल कैप्सूल्स को कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिश ऑयल, ये ऑयल हमें किराने की दुकान पर सरसों या फिर रिफाइंड के तेल की तरह किसी प्लास्टिक के बॉटल या फिर पैकेट्स में नहीं मिलता। ये हमें कैप्सूल्स की शेप में कुछ ही गिनी चुनी दुकानों पे मिलता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें फिश का इस्तेमाल होता है, तो इसे मछली के उत्तकों यानी टिश्यू से बनाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA यानी आइकोसेपेंटेनोइक एसिड और DHA यानी डोकोसेहेक्सेनोइक एसिड होता है, जो सही मात्रा में लेने पर हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी हर हफ्ते 1-2 भाग मछली खाने की सलाह देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो वजन घटाने से लेकर हमारी स्किन, हेयर और बोन्स के लिए बहुत कारगर साबित होता है। साथ ही इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी दूर रहती है, खास तौर पर हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। वैसे ओमेगा 3 के लिए फिश को इतनी ज्यादा तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि मछलियों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3 से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जरा उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फैक्ट्री में फिश ऑयल बनता कैसे है। तो बता दे कि फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है नदियों या फिर समुद्र से, यानी कि मछलियों को पकड़ने से। ऐसी मछलियां जिनमें प्रचुर मात्रा में ऑयल होता है, जैसे हेरिंग, ट्यूना, एंकोवीज और मैकरेल आदि। यहाँ फिश ऑयल मैन्युफैक्चरर सबसे पहले मछुआरों से इन मछलियों को खरीदते हैं, जिन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए एक डिसेंट टेम्परेचर पर रखकर, जिससे कि ये खराब ना हो, फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इनकी यहाँ अनलोडिंग की जाती है। फिर इन सभी मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है और 90 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट तक के लिए उबाला जाता है। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी सभी मछलियों को स्क्रू की तरह घूमने वाली स्क्रू प्रेस नाम की एक मशीन में डाला जाता है। अब जैसा कि मशीन के नाम से समझ आ रहा है कि ये यहाँ मछलियों को अच्छे से प्रेस करने का काम करती है, तो प्रेस होने की वजह से होता ये है कि मछलियों में मौजूद पानी अलग हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। इसे कन्वेयर की मदद से और ज्यादा सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ करीब 75 डिग्री पर इसे और सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो उसे जरूरत के हिसाब से फाइनली ग्राइंड कर लेता है। अब इन सब प्रोसेसेस से गो थ्रू होने की वजह से ये काफी गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। अब ठंडा हो जाने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जरूरी पार्टिकल्स की क्वालिटी को भी अच्छे से चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने का जिम्मा फैक्ट्री के सबसे अनुभवी और जिम्मेदार लोगों पर होता है, क्योंकि फिश ऑयल ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन और जिम जाने वाले लोगों को बल्कि सामान्य लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है। इसलिए छोटी मोटी कमियों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की, जिसे शुरुआत में प्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता था। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिससे जो सॉलिड माइन्यूट पार्टिकल्स उसमें बचे होते हैं वो भी अलग हो जाए। इसके बाद इस फिल्टर्ड लिक्विड को पहले एक गर्म टैंक में और फिर एक सेंट्रीफ्यूग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है। अब जो प्रोटीन वाटर लिक्विड में से निकल जाता है उसे अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया जाता है और फिर इस लिक्विड को फुल्ली कंप्यूटराइज वेपोराइजर में भेजा जाता है। वही जो सॉल्युबल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन होता है। तो अब इन प्रोसेसेस के बाद ऑयल को एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूल्स को तैयार किया जाता है और उसके लिए उसे एक खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ज्यादा ढीली होती है, लेकिन जब इसमें लगा ऑयल धीरे धीरे रिमूव होता है तो वो हार्ड होता चला जाता है,
और फिर इन कैप्सूल्स को उठाकर बाद में एक अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मशीन इन कैप्सूल्स को काउंट करने के साथ साथ इनकी क्वालिटी को भी चेक करती है। दिलचस्प बात यह है कि फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। वही क्वालिटी चेक में हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लोन फिश ऑयल, सल्फाइटेड फिश ऑयल और विंटराइज्ड फिश ऑयल, जिसके बाद अंत में बारी आती है कैप्सूल्स को बॉटल में पैक करने की, जिसके लिए लेबल लगी बॉटल्स को कन्वेयर के जरिए एक नोजल के नीचे लाया जाता है, जहां से काउंटेड नंबर ऑफ कैप्सूल्स बॉटल में गिरती चली जाती है। और फिर फैक्ट्री में सारा काम खत्म हो जाने के बाद इन्हें नजदीकी फार्मेसी शॉप तक भिजवा दिया जाता है। अब वैसे तो एक शख्स को 250 से 500 mg के बीच में ही फिश ऑयल कैप्सूल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप इसके फायदों से इम्प्रेस होकर इसे जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको इसके कुछ दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, जैसे नाक से खून आना, शरीर पर रैशेज होना, डायरिया, बदहजमी या फिर उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसलिए फिश ऑयल को दिन में कितनी मात्रा में और कब खाना है, इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, ताकि ये हेल्दी चीज आपके लिए अनहेल्दी साबित ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हाउ फिश ऑयल इज मेड इन फैक्ट्री का ये वीडियो यही खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।